हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हो मेरे भाई लोगों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह की बज चुकी है 4:30, सुबह की 4:30 बज चुकी हैं। ये देखिए 4:41 हो चुके हैं और बस अब निकलने की तैयारी है। देखिए आपके भाई का यही अनबॉक्सिंग करना था, नया टी शर्ट, अपनी पर्टिकुलर अपनी राइडिंग और अपने चैनल के नाम का। और यहाँ से मैं एक्चुअली राइडिंग जैकेट पहन के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से गर्म जैकेट जो है ये मेरा ये वाला पहन के जा रहा हूँ। और क्योंकि मैं दिल्ली से नया राइडिंग जैकेट ख़रीदना मुझे, तो इसीलिए अपन ये जैकेट पहन के जा रहे हैं और वहाँ से अपन दूसरा जैकेट ख़रीद लेंगे। तो एक बार देख लीजिए पूरा व्यू कैसा लग रहा है आपका भाई, और फिर आगे अपन आपको ब्लैक पैंथर को भी दिखाते हैं। ब्लैक पैंथर पूरा तैयार हो चुका है, उसको दिखाते हैं और फिर निकलते हैं। चलिए खम्मागणी। अपना ब्लैक पैंथर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ये अपना टैंक बैग, ये अपना राइनोक्स का पीछे सेडल्स बैग, और ये दोनों अपने सेडल्स बैग पीछे वाले। देख लीजिए आप पूरी तरीके से अपना ब्लैक पैंथर एकदम सुपर हिट तरीके से तैयार हो चुका है। इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि अपन कहाँ जा रहे हैं। गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये अपना मोबाइल चार्जर वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं बाइक पे। निकल चुका है आपका दोस्त। मेरे भाइयों, सुबह सुबह गाड़ी चलाना बहुत आनंददायक रहता है मेरे दोस्तों। अभी अपन जा रहे हैं अपना प्रभु का आशीर्वाद लेने। प्रभु का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद में अपन निकलेंगे सीधा अपने राइड के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे। जय हो मेरे प्रभु। सब सुख शांति रखना और पूरे परिवार को पीछे मेरे सब सुरक्षित रखना और मेरी रक्षा करना। ये हैं मेरे नाथ, मेरे प्रभु, मेरे देवता राणाजी बाबूजी। प्रभु आपका भी आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे और मेरे साथ में ही रहना। मेरी रक्षा करना मेरे प्रभु और सुरक्षा रखना मेरी। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं। प्रभु का आशीर्वाद ले लिया है। जय हो मेरे नाथ। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। चलिए, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके, अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेके, मम्मी पापा से मिलकर बस अब निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। 673 किलोमीटर अपनी मंजिल है और काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए DSK राइडर के साथ में और करते रहिए साथ साथ में एंजॉय। अभी फ्यूलिंग कराना बाकी है, फील्डिंग के बाद में ग्लव्स पहनूंगा। अभी मैं स्टार्टिंग में आप जानते ही हैं कि थोड़ी देर के लिए मैं ग्लव्स नहीं पहनता हूं, क्योंकि अभी 10-15 किलोमीटर थोड़ा हवा लगने देते हैं, फिर अपने को रेगुलरली ग्लव्स ही पहनना है। तो इसीलिए अभी थोड़ी देर मैं ग्लव्स वगैरह नहीं पहनता हूँ। उसके बाद में अपन फील्डिंग करा देंगे और फील्डिंग के बाद में अपन ग्लव्स वगैरह कम्प्लीटली पहन के फिर अपन लग जाएंगे अपने काम पे। तो दोस्तों बने रहिए साथ में DSK राइडर के। फ्यूलिंग करवा ली है गाड़ी के, बस अब निकलने की तैयारी में है। फर्स्ट फ्यूल हो चुका है तो बस अब निकलेंगे धीरे धीरे। साथ में बने रहिए DSK राइडर के और एंजॉय कीजिए इस राइड का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, ठीक है। उदयपुर निकलने के बाद में पहला टनल आ चुका है और इस टनल को क्रॉस करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमेशा टनल के अंदर से अच्छी स्पीड से गाड़ी निकालना और अंदर हॉर्न बजाना एक अलग ही अनुभव होता है। और अपन जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी अपने को बहुत सारी टनल मिलने वाली है। तो दोस्तों इन्जॉय कीजिए साथ में और इस टनल का आनंद लीजिए और चलते रहिए साथ साथ में और करते रहिए इन्जॉय। चलिए दोस्तों चलते हैं और करते हैं एक शानदार राइड का अनुभव। चलिए मिलते हैं खम्मागणी।
उदयपुर निकलने के बाद में पहला टोल नाका, नाथद्वारा टोल नाका क्रॉस करते हुए अब काउंट करेंगे अपन के अपने दिल्ली पहुंचने तक कितने टोल नाके अपने बीच में आते हैं। अगर सब सही सलामत रहा, पहला टोल टैक्स क्रॉस करते हुए। चलिए दोस्तों, चलते हैं और करते हैं राइड को एंजॉय। बने रहिए साथ में DSK राइडर के। निकले 1 घंटा हो चुका है और टाइम हो रहा है 6:25 के आसपास टाइम हो रहा है और अपने 80 किलोमीटर एरिया अपन कवर कर चुके हैं। एक जगह अपन रुके, नाथद्वारा से आगे रासमंद के यहाँ पर रुके हुए हैं चाय वगैरह पीने के लिए। अब चाय पीते और फिर आगे निकलते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कम्मा गणी। उजाला हो चुका है और थोड़े थोड़े सूरज दादा निकलने वाले हैं अब थोड़ी सी देर में, और आसमान का रंग लाल हो चुका है, ऑरेंज हो चुका है और भगवा टाइप लग रहा है कलर। तो स्वागत करें इस शानदार सुबह का और शानदार इस राइड के लिए। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, एंजॉय करते हैं इस शानदार राइड को। चलिए दोस्तों, चलते हैं। उदयपुर से निकलने के बाद में सबसे पहले नाथद्वारा टोल नाका, अब दूसरा टोल टैक्स आ चुका है अपन इसको क्रॉस करते हुए। सुबह की जो शुरुआत हुई है, इतनी शानदार शुरुआत हुई है। दूसरा टोल टैक्स अपन भीलवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद में अपन भीलवाड़ा शहर को क्रॉस करेंगे और अब सूरज निकलने ही वाला कुछ ही देर में। तो बने रहिए साथ में DSK राइडर के। देखिए मेरे दोस्तों, सूरज भगवान निकल चुके हैं, क्या शानदार नज़ारा है। सुबह सुबह भगवा आसमान के बीच में सूरज दादा को देखने का, इस नज़ारे को मैंने कम से कम 10 से 11 महीने हो गए इस नज़ारे को नहीं देखा है। लॉकडाउन में इतना आलसी हो गए थे कि सुबह इतना जल्दी उठकर कभी इस नज़ारे को देख ही नहीं पाए थे। शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं राइड ये कर पा रहा हूँ और इस नज़ारे को देख पा रहा हूँ। क्या शानदार नज़ारा है, देखिए आप सूरज भगवान कितने शानदार दिख रहे हैं सुबह सुबह भगवा रंग के, और अपनी छटाएं बिखेरते हुए पूरे आसमान में, पूरा आसमान भगवा भगवा हो चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई थी तो अब कुछ एक जगह रुक गया था, नाश्ता वगैरह किया और अब बस निकलने की तैयारी में। कुछ नाश्ता किया, चाय वगैरह ली और अंदर जो थर्मल पहने थे मैंने ठंड वाले, उन सबको चेंज किया, उन सबको निकाला। इतनी गर्मी लग रही थी यार, मतलब पूरा बदन अंदर से ऐसा गीला गीला सा बदन हो गया, तो उन सबको निकाला। और एक्चुअली क्या, मैं सिंपल सा जैकेट ही पहन के आया हूँ अपने,
मैंने आपको बताया था कि भाई अपन अपना राइडिंग जैकेट पहन कर नहीं आए, क्योंकि अपने को यहाँ से नया जैकेट लेना है। इसलिए तो वही कारण रहा कि इस गर्म जैकेट में तो और ज़्यादा गर्मी लगने लग गई यार, तो पूरा मैं तो गर्म गर्म हो गया। तो चलिए अब निकलते हैं। अब इन लेदर जैकेट में भी, इन लेदर ग्लव्स में भी खतरनाक गर्मी लगने लग गई है, तो इनको अब चेंज करना है। पर मैंने कहाँ रख दिए दूसरे वाले मेरे ग्लव्स, वो पता नहीं चल रहा है। तो उनको अभी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, पर कहीं मिले नहीं। अब एक बार वापस सेट कर लेते हैं अपना गूगल बाबा को। मोबाइल भी गर्म हो गया, बार 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 गूगल बाबा वही कह रहे हैं, फ़ोन रिस्टार्टेड करो फ़ोन, देखो क्या होता है। अब चलते हैं। दोस्तों एक ख़तरनाक हादसा हो गया है। समस्या ये हो गई है कि मेरी गाड़ी के पीछे का ब्रेक लगना बिल्कुल बंद हो गया है और आगे वाला ब्रेक भी बिल्कुल कम लग रहा है। तो मैंने अभी उदयपुर बात की है अपने सर्विस सेंटर पे, वहाँ पर मुझे जो बंदा है जो डोमिनार का काम करता है सुरेंद्र जी करके, उनसे मैंने फ़ोन पर बात की है, पर उन्होंने मुझे कोई सही रिस्पॉन्स दे नहीं पाए हैं वो बंदे। और फिर मैंने वहाँ पर शोरूम जो इंचार्ज है संदीप जी, उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने अभी बोला है कि मैं दो चार जगह फ़ोन पर बात करता हूँ और क्या स्थिति होती है आपको मैं थोड़ी देर में वापस अपडेट करता हूँ। तो जब तक मैं गाड़ी बिल्कुल स्लोली चला रहा हूँ क्योंकि ब्रेक ही नहीं लग रहा गाड़ी का मेरे, मैं 40-50 की स्पीड पर गाड़ी चला कर लेकर जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या स्थिति होती है, और मैं जयपुर से अभी 60-70 किलोमीटर दूर हूँ, तो देखते हैं क्या स्थिति होती है और क्या आपने अपडेट मिलता है संदीप जी के द्वारा। चलिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़कम, कैसे हो भाई लोगों। ब्रेक फेल होने के बाद में 81 किलोमीटर गाड़ी चला के जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर अभी मैंने लंच किया, चाय वगैरह ली। अब मैंने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, अपने उदयपुर में जो शोरूम के सर्विस इंचार्ज है उनसे मैंने बात की, फिर उन्होंने यहाँ पे इनके जो स्टाफ है जेडेड जोनल हेड और एरिया हेड वगैरह लोगों से बात की, उन्होंने काफ़ी अच्छी फटाफट मेरे लिए फैसिलिटी अवेलेबल करा दी। पर समस्या यही 20 किलोमीटर पीछे मेरे को एक शोरूम भी अरेंज करवा देगा, आप वहाँ चले जाइए सारा काम हो जाएगा। पर अब समस्या ये हो गई है कि अभी मैं जिस रूट पर हूँ यहाँ से 20 किलोमीटर वापस जाना मतलब आधा घंटा, गूगल मैप के हिसाब से वो आधे घंटे का टाइम बता रहा है। अब आधा घंटा वापस पीछे जाना और कम से कम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी अगर ब्रेक पैड भी चेंज किया जो भी किया तो एक घंटा उसमें मान के चलो, ठीक है, और वापस आने का आधा घंटा, मतलब दो घंटे पूरे बर्बाद होंगे मेरे। अब ये गलती किसकी है, ये गलती उस व्यक्ति की है, उन भाई साहब की है जिन्होंने मेरी गाड़ी की सर्विस की थी। इस बार मैंने उनको क्लियर बोला था कि भाई साहब आप मेरी गाड़ी की सर्विस कर रहे हो, सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक करना क्योंकि मेरी गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाली, अरे हो जाएगा करके इसी तरह की हरकतें की। और एंड में सजेशन क्या हुआ कि ठीक है, थैंक यू। एंड में फिर क्या हुआ कि यही हुआ कि अब गाड़ी बीच रास्ते में अटक गई। अब किसकी गलती निकालें, संदीप जी जो हैं बजाज शोरूम के सर्विस मैनेजर हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से काम करके मेरा काम निकाल दिया। और फिर मैंने इनको कहा मैं जयपुर में अभी नहीं करा पाऊँगा मैं गाड़ी सही, और मैं कल का दिन मैं दिल्ली में ही हूँ तो वहाँ पर मैं काम करा दूँगा। तो करोल बाग के आसपास में कई शोरूम या सर्विस सेंटर हो तो वहाँ पर आप बात कर लीजिए, मैं वहाँ पर गाड़ी छोड़ दूँगा या लेकर चला जाऊँगा और हैंड टू हैंड सर्विस करा के ले आऊँगा। तो एक बार ताली हो जाए बजाज के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, और संदीप जी खास आपके लिए सर, आपने बहुत अच्छा काम किया और आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि बहुत टाइम बाद किसी अच्छे इंसान और एकदम इतने
ईमानदार आदमी से मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा सर। और खासकर बजाज के पूरे स्टाफ को हेड्स ऑफ है आप सबको, ये क्लैप आप सबके लिए, क्योंकि इतनी फास्ट सर्विसेज मैंने कभी किसी की देखी नहीं थी, पर आपने इतनी अच्छी सर्विस दी उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही है कि भविष्य में जब भी गाड़ी सर्विस पे लेकर आऊँ तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको, मैंने तो क्लियर बोल दिया था कि आप लोग उनको चेक मत कीजिए, सीधा चेंज कर दीजिए। मैंने कहा ब्रेक पेड़ वगैरह हो गए, कोई कार्बोरेटर हो गए, कोई ऐसे जो बोलते हैं ना लीवर वीवर क्या बोलते हैं उनको, ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको डायरेक्ट चेंज कर दो। उनको आप ये मत देखो कि एक सर्विस और निकल जाएंगे, नहीं, क्योंकि गाड़ी अगर घर से निकल रही तो 4,000-5,000 किलोमीटर एक साथ रनिंग में जाएगी, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए आइंदा से ध्यान रखिएगा भैया कि जब भी मेरी गाड़ी की सर्विस करो तो जो मैं बोलूँ पार्ट्स चेंज करने के लिए उसको तुरंत आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं, अब अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है दिल्ली जयपुर से दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं फिर अब रोड पर, फिर किसी मोड़ पर, और बिना ब्रेक की गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। ब्रेक हैं मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत कम लग रहे हैं, ऐसा है कि बहुत कम लग रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों की दुआ है साथ में और माँ बाप का आशीर्वाद है तो दिल्ली पहुँच जाएंगे, दिल्ली दूर नहीं है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और मिलते हैं कमागणी। डेली का हिसाब लिखता हूँ, मेरी ये छोटी सी डायरी में लेकर आया हूँ। इसमें क्या पूरी ट्रिप का हिसाब लिखेंगे अपन इसके अंदर, कि अपने क्या क्या खर्चा किया है और कितना कितना किया है, जिससे अपने को पूरे सफ़र का एक बजट सेट हो जाएगा कि भाई अपने कहाँ, मतलब कोई सा भी खर्चा, भले चॉकलेट खाई हो 2 रुपये की या 1 रुपये की, वो भी हिसाब में काउंट करेंगे। जिससे क्या रहता है कि अपना हिसाब क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। तो फ्यूचर में मैं कभी वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं बता सकूंगा कि भाई मैं इतना गया था तो इतने दिन में इतना पेट्रोल चला, इतना खर्चा हुआ, सारी चीज़ें। अभी टाइम हो रहा है सर 6:24 और दिल्ली दूर है अभी अपने से 186 km। तो अपन क्या बीच में 1 घंटा रुक गए थे, वो मैंने बताया था आपको, पावर नैप लेने के लिए, क्योंकि आंखें ऐसी भारी हो गई थी, भयंकर वाली, मतलब जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर अपने सोचा कि भाई एक थोड़ा सा पावर नैप लेना ज़रूरी है, पावर नैप लिया, उसके बाद काफ़ी मूड अच्छा हो गया। और फिर थोड़ा सा ऐसा लगा, तो मेरा एक सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको, कि लोग मुझे कहते हैं ना आप अकेले चलते हो तो बोर क्यों नहीं होते, मैं बोर इसलिए नहीं होता, मैं मेरे प्रभु को हमेशा साथ में लेके चलता हूँ। अकेला मैं बाइक पर होता हूँ तो हेलमेट के अंदर से ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा गाते रहता हूँ, ज़ोर ज़ोर से, जितना मेरे में कैपेसिटी है उतना ज़ोर से, क्योंकि बाइक पे तो किसी को सुनाई देने वाला है नहीं कि अंदर हेलमेट के अंदर आदमी क्या कर रहा है, ठीक है। तो अपना बस यही रखा है कि अपन हेलमेट में जितना हो सके उतना ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा है। तो अभी मैं आया हूँ जयपुर से यहाँ तक आया, बीच में काफ़ी मेरे को नींद आने जैसा हो गया, तो अपनी 51 हनुमान चालीसा हो चुकी है। अपन आराम से धीरे धीरे जोर जोर से भाँ भूँ गाते गाते आते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपी सति लोक उचागर, ऐसे जोर जोर से, तो इस तरह से गाते गाते आए, तो जिससे कि अपनी नींद कोई भी नहीं आएगी और ये समझ लो कि अपने भगवान की आराधना भी हो जाएगी, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। तो ऐसा ही है आपका भाई धर्म, तो ऐसे ही अपनी चलती रहती है अपनी ट्रिप, अकेले अकेले ऐसे इंजॉय करते हुए चलते रहते हैं और मजे लेते रहते हैं। तो अभी अपन ने फ्यूलिंग करवाई है रिलायंस के पेट्रोल पंप से, अभी अपन को मिल गया रिलायंस का पेट्रोल पंप। बाकी हर बार क्या होता है अपन भरवा लेते हैं फिर अपने को रिलायंस का पेट्रोल पंप मिलता है, तो अब की बार मिल गया है। अब चलते हैं आगे, प्रभु श्री राम का नाम लेके बजरंगबली को याद करते हो अब निकलते हैं आगे, अपने को दिल्ली पहुँचना है। दिल्ली आराम से पहुँचे तो कोई बात नहीं, पर मेन अपने को जाना है ओरा जो शोरूम है वहाँ पर, अपना को वेट कर रहा है बंदा, तो खास अपने को उनसे मिलना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी रोड पर, फिर किसी मोड़ पर।
खमागणी। अब दिल्ली शहर अपने से 100 किलोमीटर और दूर है और आप यकीन नहीं करेंगे, एक जाम लगा हुआ है मेरे इधर साइड वाली रोड पर और मैं इधर रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ और अभी भी जाम लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा खुला रोड मिला और आगे वापस जाम है। अब पता नहीं आगे कहाँ पर जाम वापस लग जाता है, कोई भरोसा नहीं है। क्या कारण हुआ कुछ पता नहीं पड़ रहा है, पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ ऐसा कह रहे हैं लोग मुझे। और अपन भी चलो भगवान ऐसा कोशिश करें कि अपन इस जाम में कहीं फंसे नहीं, निकल जाए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में अपन ये 100 किलोमीटर एरिया कवर कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं आगे। जाम में फंसे हुए पता नहीं किस कारण से आज इतना ना जाम लगा है, और ऐसा जाम मैंने कभी देखा नहीं है। काफ़ी लोग दिल्ली के भी खड़े सब कह रहे हैं कि ऐसा जाम आज तक कभी नहीं लगा हमारे यहाँ पर। और पता नहीं दिल्ली से 100 किलोमीटर पहले कोई जगह है वहाँ पर पीछे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ माने जाम होता है, और एक्सीडेंट से आगे तक जाम है, वहाँ लड़ा रहे हैं, आगे दो जगह और लड़ाई कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस कारण जाम लगा दोनों रोड पे। इस रोड पे भी देखिए जाम है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये देखिए इधर भी जाम है, इधर भी जाम है, और उसके उधर वाला जो रोड है ना उसमें भी जाम है, और सारी गाड़ियाँ उधर ही जा रही हैं। अब पता नहीं ये किस कारण से इस बार कैसी सर्विस की है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा भी था उन लोगों को कि मैंने कहा आप लोग सीरियस लेके सर्विस अच्छे से करना, क्योंकि गाड़ी रेगुलर ही चलेगी और 3 से 4 हज़ार किलोमीटर की राइड है मेरे रेगुलर। उन लोगों ने मजाक में ले लिया और पता नहीं किस गाड़ी को धो के ऑयल पे चेन पे ऑयल लगा के गाड़ी पकड़ा कि सब सही है। एक्सक्यूज रेडेड बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने गाड़ी चेक नहीं की, और ये बकायदा मैं वीडियो में डालूँगा। इस तरह से अगर आप गाड़ियाँ देते हो तो गाड़ियों का नुकसान होता है, मालिक के होता है। मालिक आज 2-3 लाख रुपये लग चुके हैं मेरी इस गाड़ी पर। 3 लाख रुपये बिगाड़ के मैं अगर गाड़ी लेता हूँ और उसके ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम रोज हो जाती है, फिर क्या मतलब है ऐसी कंपनी पे पैसा लगाने से, ऐसी गाड़ी लेने से। सोचेंगे बजाज वाले और ख़ासकर सोचे अंबा बजाज वाले, उदयपुर वाले, क्योंकि देखिए मैं एक कस्टमर हूँ, ऐसे कई और कस्टमर और प्रीमियम कस्टमर हूँ। मैंने डोमिनार खरीदी है, सबसे महंगा प्रोडक्ट बजाज का आपका, और मेरे साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई तो छोटी मोटी गाड़ी वालों को बिचार होगी, अलग बहुत ख़राब होती होगी। प्लीज़ आप सोचिए अंबे बजाज, थैंक यू। जाम खुल चुका है पर अपने को इस जाम ने इतना लेट कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। 4 घंटे लग गए जाम में फंसे फंसे अपने को। रात की बज चुकी है 11:30 मेरे भाइयों, 11:30 बज गई हैं। अब अपन जाम से निकले हैं, अब आगे अपने को पता नहीं कहाँ रोड मिलेगी, कैसे जाएंगे और कैसे अपन आगे पहुँचेंगे, क्योंकि गाड़ी की स्पीड आप खुद जानते हैं कि 40-50 की स्पीड से मुझे चलना है, क्योंकि ब्रेक बहुत ही कम लग रहे हैं। अब इसी स्पीड से अभी भी दिल्ली यहाँ से 95 किलोमीटर और दूर है, इतना एरिया मुझे कवर करना है। तो चलो प्रभु ही मालिक हैं कैसे अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। फाइनली दोस्तों अपन दिल्ली पहुँच गए हैं, दिल्ली शहर में अपन ने प्रवेश कर लिया है। अब अपन जो होटल की अपनी लोकेशन है, अपने एक फ्रेंड को अपन ने एक होटल के लिए बात करी थी, तो उस होटल की लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। वो शायद मुझे 23 या 24 किलोमीटर और बता रहा है, बस इतना एरिया कवर करना है। और दिल्ली में रात की बज गई है 12:30 हो रहे हैं, अभी भी इतना ट्रैफिक है जिसकी कोई हद नहीं है। अब पता नहीं ये ट्रैफिक कहाँ जा रहा है, आज ही है या हमेशा ही रहता है, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पर अपन बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं अब, क्योंकि शरीर पूरा थक चुका है मेरा, हाथों पर मिट्टियाँ जम चुकी हैं, पूरे कपड़ों पे मिट्टी जम चुकी है। अब तो बस यही दुआ है ऊपर वाले से जल्द अपने को होटल पहुंचा दें, क्योंकि अब थकान के मारे आंखें नम हो चुकी हैं, शरीर थक चुका है और शरीर ने अब जवाब देना चालू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और फटाफट होटल जाकर मिलते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं होटल, और होटल वैसे अपने मित्र ने पहले ही बुक करा रखी थी, तो अपन ने बात की थी सोनू भैया से अपने, उन्होंने बुक की थी। ठीक है, अच्छा होटल है एक पर्सन के लिए, ठीक है। देख लीजिए छोटा सा कमरा, छोटा सा अपना टीवी, इधर कबर्ड, और ठीक है। अभी अपने जितने सब्सक्राइबर हैं उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। जब अपने
मिलियंस में होंगे उस समय लीला पैलेस में जाएंगे। ठीक है, अभी ये कि लीला पैलेस में चले भी जाए तो ऑफिशियल काम से आए हो तो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, चलिए शुभ रात्रि। और आज के व्लॉग की भी एंडिंग यही करते हैं, कल सुबह मिलते हैं, कल बहुत सारे काम है अपने को दिल्ली मार्केट में, तो सारे काम निपटाएंगे और मिलते हैं फिर कमागणी।